गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। मेरा नाम है सशांत कश्यप। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। ठीक है, जो कि सुबह 10 बजे का बैच है। आज है 1 जनवरी। ठीक, मतलब आज हम पढ़ेंगे 1 जनवरी की डेली करंट अफेयर, और आज है 2 जनवरी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 1 जनवरी की डेली करंट अफेयर। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और लाइक और शेयर में कमी नहीं रखें। देखो, ज़्यादा जितने लोगों को जोड़ोगे उतनी बढ़िया आपको कैमरे का कंटेंट मिलेगा। और आपको अगर जैसे 100 सब्सक्राइबर और एक कम से कम 100 व्यू हो गए तो आपको PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा मैं। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में PDF भी मिल जाएगी। इसका लिंक आपको मैं इस पर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मगर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उससे पहले इस चीज़ को वो करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा 100 सब्सक्राइबर या 100 व्यू। ठीक है, क्या हुआ कोचीन में? ठीक है, कोचीन सिपथाई में, कोचीन के सिपथाई में लिमिटेड में, ये क्या है, कोचीन के सिपथाई ने लिमिटेड में 31 दिसंबर को मेट्रो रेल परियोजना के तहत, किसके मेट्रो रेल मेट्रो रेल परियोजना के तहत क्या किया इन्होंने, मेट्रो रेल परियोजना के तहत मेट्रो रेल लिमिटेड कोची मेट्रो रेल सॉरी इसमें क्या करेंगे कोची दो शब्द और ऐड कर लेंगे इसमें ऐड कर लेंगे कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने क्या किया, इन्होंने अपनी पहली हाइब्रिड इन्होंने क्या पहली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हंड्रेड पैस्कल पावर की एक तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड 100 पैक्सल पावर की मेट्रो नाव चलाई, मतलब कि इन्होंने मेट्रो फेरी वाटर फेरी सौंपा। ठीक है, किसके तहत, कोचीन सिपलाइन सिपयाई लिमिटेड के तहत, कोचीन मेट्रो रेलवे लिमिटेड ने क्या किया, एक अपनी पहली हाइब्रिड 100 पैक्सल पावर की मेट्रो नाव तरीके एक तरीके से बोट चलाई। ठीक है, किसके तहत चले, मेट्रो कोची मेट्रो रेलवे लिमिटेड के अंदर है ये। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर है अपनी पहली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब होता है पानी से चलने वाला। ठीक है, 100 पैक्सल वाटर की मेट्रो नाव का क्या किया, एक तरीके से उन्होंने उद्घाटन किया। ठीक है, इसमें किसने किया, इसका नाम किसने रखा, इसमें एमडी लोकनाथ बोहरा की पत्नी, कितनी इनकी पत्नी मधुर मिता किसके, एमडी लोकनायक बहोर की पत्नी महुदा बोहरा ने इसका नाम रखा, इसका नामकरण किया, क्या नाम रखा, इसका इन्होंने मुजरिसा। ठीक है, इन्होंने मुजरिसा इसका क्या रखा, नाम रखा। ठीक है, इसका मुजरिसा इसका
क्या रखा? नाम रखा ये रा है, क्या रखा? मजरिसस का नाम रखा, ठीक है। इस कोची रेलवे लिमिटेड जल मेट्रो परियोजना के लिए बनाई जा रही है। किसके द्वारा में? ये कोची मेट्रो रेलवे लिमिटेड जल योजना, कोची मेट्रो रेलवे लिमिटेड द्वारा, ठीक है। यह जल मेट्रो परियोजना के तहत बनाई जाए, मतलब कि इस योजना के तहत बनाई जा रही है, ठीक है। इसको मेट्रो जल परियोजना कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? मेट्रो जल परियोजना, इसके तहत। ठीक है, मेट्रो जल परियोजना के तहत इसको बनाया जा रहा है। इस बैटरी में चलाने वाले इसमें 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में, इसमें 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में 100 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। कितनी? 100 यात्रियों को, ठीक है, 100 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। इस कोची थाई शिप में क्या मतलब 100 यात्रियों को ले जाने की क्या है इसमें सुविधा है, ठीक है। ठीक है, इस सुविधा में क्या करेंगे ये मतलब 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में, ठीक है, सिर्फ 2300 ही यात्री ले जाए जा सकते हैं। इसका ये पहला पॉइंट खत्म। आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने बैंकिंग, आरबीआई ने बैंकिंग ग्राहकों को एक जनवरी 2021 से क्या कर दिया इन्होंने? अपना जो मतलब पेमेंट निकालते थे ना बैंक से, उसकी सीमा 20 रुपये से 21 रुपये कर दी शुल्क सीमा 20 रुपये से 21 रुपये कर दी। इसमें क्या होगा? जो मुफ्त अनुमत सीमा है, मतलब एक सीमा के से ज़्यादा आप, इसमें मुफ्त सीमा कितनी है? मुफ्त सीमा मेट्रो में 3 बार और गैर मेट्रो 5 बार, ठीक है। कि मतलब आप मुफ्त सीमा के अंतर्गत मेट्रो में, मतलब मेट्रो या मतलब कहीं भी अन्य मेट्रो या अन्य में आप 3 बार निकाल सकते हैं, या किसी भी ऑनलाइन पे के थ्रू आप 3 बार निकाल सकते हैं, जिसमें आपका ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद 3 से ज़्यादा बार निकालेंगे तो आपका पहले 20 रुपये लगता था, अब वो 21 रुपये लगेगा, ठीक है, चार्ज। उसके गैर मेट्रो में जैसे कि आप किसी एटीएम कार्ड द्वारा अपने एटीएम से निकालते हैं, ठीक है, तो आप 5 बार तो फ्री निकाल लोगे, उसके बाद चार्ज नहीं लगता 20 रुपये का, वो चार्ज उन्होंने 20 से 21 रुपये कर दिया, ठीक है। अब जो और जो जनवरी से लागू भी हो गया, कितनी? 1 जनवरी से इसको लागू भी कर दिया, 1 जनवरी से भी इसको लागू कर दिया। केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। इन्होंने क्या किया? केंद्रीय शिक्षा और कौशल मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1 जनवरी से कितना? 1 जनवरी से 100 दिवसीय पाठ अभियान अभियान के तहत क्या किया उन्होंने?
इन्होंने एक तरीके से इस पढ़ाने के लिए पढ़े भारत। तो पढ़े भारत इन्होंने क्या किया, पढ़े भारत का क्या किया, शुभारंभ किया। ठीक है, एक तरीके से इन्होंने अभियान चलाया कि 1 जनवरी से 100 दिवस तक पाठ अभियान के तहत पढ़े भारत, मतलब आगे जितना पढ़ने, मतलब एक तरीके से इसको प्रोत्साहन किया। ठीक है, कि भारत को पढ़ने, भारत में लोग जो अशिक्षित रह जाते हैं उनको पढ़ने के लिए उन्होंने 1 जनवरी से 100 दिवसीय पाठ अभियान के तहत पढ़े भारत की एक तरीके से नारा दिया कि, और मतलब जो लोग पढ़ते नहीं हैं, मतलब जो बेरोजगारी से पीड़ित थे उन लोगों के लिए इन्होंने पढ़े भारत के लिए इन्होंने एक तरीके से योजना शुरू करी। इसमें क्या है, बाल वाटिका से 8वीं तक की कक्षा, 8वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले, कितनी 8वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के, बच्चों को हिस्सेदारी है। 8वीं तक बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हिस्सेदार हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बाल, मतलब देखो अब जैसे बच्चा शुरू से जब पढ़ेगा, जब 8 क्लास तक पढ़ेगा तो उसको ज्ञान तो हो गई, जब 8 के बाद 8 तक जब वो पढ़ लेगा तो उसको आगे प्रोत्साहन भी किया जाएगा, मतलब पहले वो 8 तक तो पढ़े। इस चीज़ के लिए इन्होंने केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस चीज़ का प्रोत्साहन किया और इन्होंने 1 जनवरी से 100 दिवस का, मतलब कि 2-3 महीने 10 दिन का, 90-100 दिन का इन्होंने क्या किया, एक तरीके से अभियान चलाया, जिसके तहत ये मतलब भारत में जो लोग मतलब पढ़ते नहीं हैं और जो भी रह चुके हैं, मतलब और जिन लोग पढ़ना नहीं चाहते उन लोगों के लिए इन्होंने फ्री, एक तरीके से फ्री सुविधाओं का भी सरकार दे रही है। ठीक है, जिसमें स्कॉलर भी मिल रही है। 1 जनवरी 2021 को, 22 को डीआरडीओ ने क्या मनाया, स्थापना दिवस के रूप में मनाया। कौन सी, 64वीं स्थापना दिवस के रूप में बनाया। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी, डॉक्टर सतीश रेड्डी, सतीश रेड्डी इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं, सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की 64वां, ये कब सबसे पहला, ये कब स्थापित हुआ डीआरडीओ, ये हुआ था 1958 में। ठीक है, 1958 में क्या हुआ, इसका गठित हुआ था, किसका, डीआरडीओ का गठन हुआ था, स्थापना दिवस मैंने इस हुई थी 1958 में, 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, जिसकी 64वां एक तरीके से इसकी पुण्यतिथि टाइप से बनाया गया, स्थापना दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक करो और अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप दूसरे का कंटेंट देख लो। ठीक है, भारतीय रेलवे में भारतीय रेलवे में 1 जनवरी को ठीक है क्या किया, एक त्रिपाठी, बी के त्रिपाठी क्या हुआ, भारतीय जो है बी के त्रिपाठी को क्या किया, रेलवे का, किसका, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बा CEO, मतलब मुख्य समीक्षा अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त है। ठीक है, किसको, बी के त्रिपाठी को। ये क्या है, ये वर्तमान में कौन है, ये बी के त्रिपाठी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में या उत्तर पूर्वी, कौन, ये बी के त्रिपाठी उत्तर पूर्वी रेलवे गोरख
रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक कौन है? महाप्रबंधक कौन है? वी के त्रिपाठी। अभी उत्तर पूर्वी मध्य उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर के क्या है? महाप्रबंधक के रूप में कार्यकारी हैं। इससे पहले इस अभी कौन है इस पे? 1998 सॉरी 1994 के बैच के ISME अधिकारी नियुक्त हैं। ISME अधिकारी कौन है? ठीक है, ये IMS अधिकारी हैं, सुनील शर्मा। ये अधिकारी कौन है? सुनील शर्मा नियुक्त हैं। ठीक है, किस पे नियुक्त हैं? अभी भारतीय रेलवे के भारतीय रेलवे के अध्यक्ष और CEO के रूप में अभी सुनील शर्मा नियुक्त हैं। इसके बाद 1 जनवरी को इस चीज़ का ऐलान कर दिया गया। ठीक है, कि 1 जनवरी 2022 से वी के त्रिपाठी इस चीज़ पे अभी एक आसीन होंगे, मतलब एक तरीके से 1 जनवरी से इनका कार्यकाल लग गया कल से, मगर अभी जी इन्होंने एक तरीके से गए नहीं है अभी जी, एक तरीके का बदलाव दली नहीं होती इनकी, वो भी करानी पड़ेगी, इनको हटाना पड़ेगा, एक तरीके से हर चीज़ का काम करना पड़ेगा, इस चीज़ में भी टाइम लगता है। 1 जनवरी से इनकी नियुक्ति हो गई। फिर भी केंद्र सरकार द्वारा, किसके? केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत किसको? जल जीवन मिशन के तहत ओडिशा को, किसको? ओडिशा को। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ओडिशा को कितना 2021-22 में, 2021-22 में इसका जल जीवन मिशन के तहत इसको कितना योगदान दिया गया? इसका योगदान को क्या कर दिया गया? चौथा, इसके योगदान को चौथा कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि इसके योगदान को चौथा कर दिया गया। ठीक है, इसको कितना योगदान दिया जाएगा? इसको 3328 करोड़ रुपए किसके? जल जीवन मिशन के तहत इसको योगदान दिया गया। किसको? ओडिशा को जल जीवन मिशन के तहत योगदान दिया गया। यह कवरेज कितना करेगा? इसकी कवरेज क्या होगी? 23.5% किसमें? ओडिशा राज्य में इसकी कवरेज कितनी होगी? 23.5%। यह देश भर के और यह देश भर में कितनी कवरेज करेगा? यह देश भर में 7.96 करोड़, मतलब कि यह 40.6% एक तरीके से देश में इसकी हिस्सेदारी रहेगी ग्रामीण। और यह इसका उद्देश्य क्या है? यह इसका उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में जल को, मतलब जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में नल के द्वारा जल को पहुंचाना, मतलब नल खोल के आप पानी पी सकते हैं, इस चीज़ को पहुंचाना। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड सरकार ने एक दूसरा है उत्तराखंड उत्तराखंड सरकार ने क्या किया? उत्तराखंड सरकार ने वृद्ध, जो वृद्ध लोग नहीं होते, वृद्ध अवस्था में, वृद्ध अवस्था व विधवा पेंशन को, क्या किया इन्होंने? वृद्ध अवस्था इन्होंने इन्होंने क्या किया? उत्तराखंड सरकार ने वृद्ध अवस्था व विधवा पेंशन को क्या कर दिया? इन्होंने बढ़ा दिया। कैबिनेट की बैठक के द्वारा इन्होंने 1200 से 1400 रुपये कर दिया प्रति माह। ठीक है, इन्होंने अपनी पेंशन को बढ़ा दी। इसमें महिला शिक्षा को, और इसमें एक चीज़ का और दिया कि जैसे कोई बाहर की महिला आती है तो उसको अतिथि महिला को मातृत्व अवकाश मिलेगा।
ठीक है, मातृत्व अवकाश मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था में वृद्ध अवस्था व विधवा पेंशन को लिए 1200 से 1400 रुपये कर दी, और अतिथि महिलाओं को मृत मृत मतलब घर जाने के लिए इसको अवकाश भी मिलेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और टहरीगढ़ में टहरीगढ़ वाला में ये लॉ कॉलेज खोलेंगे। क्या खोलेंगे? लॉ कॉलेज। और क्या करेंगे? और ये 10 सालों के लिए मकानों का इनकम टैक्स, मतलब एक तरीके हाउस टैक्स नहीं लेंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये गढ़वाल में लॉ कॉलेज की स्थापना करेंगे। ठीक है, और 10 सालों में मकानों का हाउस टैक्स भी नहीं लेंगे, मतलब 10 सालों का मकानों का हाउस टैक्स भी लेंगे। सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। ठीक है, एक उड़ीसा सरकार ने एक वो की थी कि इन्होंने अपना महंगाई भत्ता बढ़ा दिया था, मतलब DA को बढ़ा दिया था, उसके ऊपर सरकार ने एक एक्शन लिया है। ठीक है, मतलब एक्शन क्या, एक तरीके से बताया गया कि ये कितना बड़ा है। ठीक है, ओडिशा ने बोला था कि इन्होंने अपना कितना DA बढ़ा कितना कर दिया था, इन्होंने अपना DA बढ़ाकर 31% कर दिया था। DA मतलब महंगाई भत्ते को 31% कर दिया था। किसने? राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, राज्य सरकार के। इससे राज्य सरकार के कितने कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा? राज्य सरकार के, ठीक है, राज्य सरकार के इसमें 7.5 लाख कर्मचारियों व कितने, राज्य सरकार द्वारा 7.5 लाख कर्मचारियों व पेंशन भी तो ले होंगे, सारी वो काम कर रहे होंगे, पेंशन भुगताओं को फ़ायदा मिलेगा। इसमें इसको कब से लागू कर दिया गया? इसको 1 जुलाई 2021 से लागू कर दिया गया, मतलब कि इसको 6 महीने पहले से लागू कर दिया गया महंगाई भत्ते को। इसके तहत सरकार को सातवें वेतन में संशोधन, मतलब सरकार अपनी गांठ से दे, कहीं से भी दे, मगर ये लोग देंगे। ठीक है, किसको देंगे? सभी 1 जुलाई 2021 से ये सातवें वेतन आयोग के द्वारा इस चीज को संशोधित कर दिया गया कि इन्होंने ओडिशा ने अपना DA को बढ़ा दिया, कितने से 17% से 31% कर दिया गया इन्होंने महंगाई भत्ते को। इसमें राज्य सरकार के 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों को फ़ायदा मिलेगा, पेंशन धारक जो राज्य कर्मचारी में काम कर चुके हैं उन्हीं लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। 1 जुलाई 2021 से इस चीज़ को चालू कर दिया गया। ठीक है, मतलब सभी को 31% का दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में 315 जल आपूर्ति के तहत कितना? 9544 करोड़ रुपए का सेंशन हुआ, मतलब कि वित्तीय पोषण हुआ, इसको वित्तीय पोषण भी बोलो, वित्तीय पोषण हुआ। किसको हुआ? झारखंड सरकार को सरकार ने क्या किया, 315 जल आपूर्ति, केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को 315 जल आपूर्ति को स्थापित, यह मतलब जल आपूर्ति योजनाओं के तहत 9544 करोड़ रुपए का वित्तीय पोषण दिया। इसमें इसमें 4424 गांवों में क्या होगा, 4,2400 गांव में कितना, 8 लाख ग्रामीणों के घर नल जल परियोजना, ठीक है, क्या होगा इसमें 4,444 गांव में 8 लाख ग्रामीणों के लिए घर में नल जल परियोजना के तहत क्या होगा, इस चीज का पोषण किया गया कि मतलब ये लोग
पैसा दिया है तो इस चीज़ पे काम होना चाहिए, इस चीज़ लिमिटेड उन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से क्षमता को भी लिमिटेड कर दिया कि आप लोगों को इतने उसमें क्या करना है, मतलब इस चीज़ का मतलब आ जाने चाहिए इन लोगों के पास, ठीक है। क्या बोल, सरकार ने इस चीज़ के ऊपर बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड्स।